हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है ये वैकेंसी सेल डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वर्क करता है। न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। गाइस, यहाँ पर हमारी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है वो वीडियो को कंटिन्यू कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों ने आईटीआई किया है या फिर डिप्लोमा किया है, आईटीआई कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर बीई किया कर रखा है या फिर बीटेक किया है, सभी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। गाइज, यहाँ आप लोगों की फ्रेशर की वैकेंसी रहने वाली है। अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट। परमानेंट यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। सैलरी पैकेज 50,000 से ज़्यादा ही रहने वाला है। काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज रखा जाता है। और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेल मतलब स्टील कंपनी है आप लोगों की और बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोगों को टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी गई है एंड कमेंट बॉक्स में भी दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन 16 दिसंबर को ये पोस्ट आउट किया गया है। गाइस, यहाँ पर आप लोगों की जो वैकेंसी आ रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आप लोगों की असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी 50,000 से 1,60,000 तक रखा गया है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर इंजीनियर की वैकेंसी है। अब नेक्स्ट जो आप लोगों की है, यहाँ पर मैनेजर की रखी गई है। सैलरी पैकेज 80,000 से 2,20,000 तक रखा गया है, जिसमें मैनेजर मैकेनिकल वाले, केमिकल वाले, मेट्रोलॉजी, क्रेमिक वाले एलिजिबल हैं। इसी तरीके से थर्ड वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर वालों के लिए है। और भी आप लोगों की कई वैकेंसी है जो कंसल्ट, यहाँ जो हमारी 80,000 से सैलरी पैकेज 2,20,000 तक रहने वाला है। बाकी आप लोगों की जो कंसल्टेंट में, यहाँ जो भी डिपार्टमेंट है आपकी अलग अलग रखी गई है, और नॉन एग्जीक्यूटिव की भी रखी गई है, जिसमें हमारे मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, ये सभी आपकी रहने वाली है वैकेंसी। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ वैकेंसी की, आप लोग को वैकेंसी के साथ साथ क्वालिफिकेशन भी बताती जाती हूँ। सबसे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, जिसके लिए आप लोग बीई बीटेक फुल टाइम अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट प्रोडक्शन, ये सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के लिए आप लोगों को यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप लोगों के पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप लोगों ने यहाँ पर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर में वर्क वगैरह किया है, ये चीज़ आप लोगों का रखा गया है। नेक्स्ट है मैनेजर की मैकेनिकल वालों के लिए, इसमें बीई बीटेक मैकेनिकल से किया है, अप्लाई कर सकते हैं। 60% आप लोग का होना चाहिए, 50% SC ST वालों के लिए। और यहाँ आपका 7 साल का एटलीस्ट आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजर केमिकल की, और बीई बीटेक आपका होना चाहिए केमिकल में, 60% रखा गया है। SC ST के लिए 50% रखा गया है। क्वालिफिकेशन में यहाँ आप लोग का 7 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है मिनिमम। एंड आपका नेक्स्ट मेट्रोलॉजी वालों के लिए बीई बीटेक रखा गया है, 7 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी रखा गया है, रिफाइनरी वगैरह में या फिर किसी स्टील प्लांट से आपके पास 7 साल का यहाँ एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट है क्रेमिक वालों की, मैनेजर की वैकेंसी क्रेमिक की, बीई बीटेक फुल टाइम कर रखा है क्रेमिक में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस आपका मिनिमम से मिनिमम 7 साल का होना चाहिए। यहाँ आपकी मेडिकल ऑफिसर की है, जिसमें MBBS वाले एलिजिबल रहेंगे। 1 साल का आप लोगों के पास मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए, या फिर अगर आपने इंटर्नशिप भी कर रखी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब इंटर्नशिप में ऑलमोस्ट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये है कंसल्टेंट में आपके मेडिकल की लाइन में यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। PG वाले अप्लाई कर सकते हैं।
3 साल का आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो रखा गया है इसमें भी आप लोग की पीजी क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। ये हमारे जो डिप्लोमा वाले हैं या फिर ग्रेजुएट वाले हैं, हम टेक्निकल वालों के ज़्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे नॉन टेक्निकल एग्जीक्यूटिव के लिए ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी। जैसे देखिए यहाँ डिप्लोमा मतलब जो आपके टेक्नीशियन के जिसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और यहाँ बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों की 50% आपका मार्क्स रखा गया है, 40% SC ST वालों के लिए होना चाहिए। यहाँ आप लोग अगर ट्रेनिंग के लिए ऑपरेटर ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी में है, डिप्लोमा 3 साल का क्या अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 50% होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी 3 साल का इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। साथ ही ये आपका ट्रेनिंग वालों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, अगर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग की दे रखी है सिविल वालों के लिए, केमिकल वालों के लिए, सिविल और केमिकल में डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। क्रिमिक वालों ने क्रिमिक में 3 साल का डिप्लोमा किया है, सभी में परसेंटेज क्राइटेरिया सेम रखा गया है, 50% जनरल OBC के लिए, 40% SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। और ऑपरेटर की जो वैकेंसी दी गई है इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल वाले एलिजिबल है, 50% मार्क्स रखा गया है। गाइज देखिए अपने अकॉर्डिंग ब्रांच एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया कि डिप्लोमा एलिजिबल है, बाकी देखिए जैसे केमिकल से रिलेवेंट है तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना कि केमिकल से रिलेवेंट है तो क्या आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। बाकी यहाँ आपका इलेक्ट्रिशियन में दिया गया है, ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, और यहाँ फिटर से ITI होना चाहिए, यहाँ टर्नर ITI कर रखा है टर्नर ट्रेड से, बेल्डर ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे NCVT या SCVT से अगर आपने ITI किया है तो। ये आपका ITI का है। इसी तरीके से यहाँ पर बॉयलर ऑपरेशन में ITI किया है और हैवी व्हीकल्स में ITI किया है, तो ये सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। परमानेंट आपका जॉब रहेगा एकदम, यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का दिया जाएगा। ये आपका प्रोसेस रहेगा। और यहाँ सैलरी पैकेज जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए 50,000 से स्टार्टिंग है, मेडिकल ऑफिसर के लिए 60,000 से, कंसल्टेंट के लिए 80,000 से, मैनेजर के लिए 80,000 से स्टार्टिंग होगी। ये आपका रहने वाला है। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 26,000 से रहेगी, मतलब जो हमारे ITI वाले कैंडिडेट हैं, और ये मतलब जैसे टेक्नीशियन वाले के लिए 26,000 या 25,000 से स्टार्टिंग रहेगी। स्टार्टिंग में 2 साल तक आप लोगों को ट्रेनिंग कराई जाएगी, मतलब ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में बात करें तो आप लोग जब यहाँ पर हायर हो जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में 16,000 आपको पैकेज दिया जाएगा, उसके बाद दूसरी साल 18,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर से आप लोगों की जो परमानेंट जॉब वालों की वैकेंसी होती है उसी तरीके से सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों की जाएंगी। फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से, दोनों वैकेंसी के लिए फिजिकल फीमेल फीमेल्स के लिए दिया गया है। एंड यहाँ नेक्स्ट देखेंगे जो फीस आप लोगों की रहने वाली है, फीस अलग अलग रखी गई है, जैसे 700 रुपये रखी गई है, ये हमारी OBC और EWS UR के लिए है, ये SC ST PWD के लिए है। कंसल्टेंट वगैरह जो भी आप लोग जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फीस देखने के लिए मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग को अप्लाई करना है। ये लिंक आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी तो अप्लाई ज़रूर कर लें। और यहाँ आप लोग ज़रूर देखेंगे अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट आप लोग के मैनेजर की है तो मैनेजर की जॉब के लिए ये आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसी तरीके से 1x1 आपको दिया गया है किस जॉब के लिए कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है, ये करियर पेज पर जाने के बाद ये वाली लिंक आपको मिल जाएगी, इस लिंक पर जा सकते हैं, फिर इस लिंक पर। देन आप लोगों को करना है रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, तो रीड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट आप लोग टेलीग्राम से कर लेना। देन क्या कर बोल रहे हैं, गो थ्रू द यूज़र मैनुअल अवेलेबल ऑन द साइट एंड फॉलो द स्टेप मेंशन, मतलब क्लिक करना है, लॉग इन करना है, लॉग इन और अप्लाई, ठीक है। ये करने के बाद रजिस्टर यूज़र करना है, देन अपलोड फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स, ये सभी करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करना है। इसी तरीके से गाइस स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है, अपने अकॉर्डिंग एक बार चेकआउट कर लेना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ देखेंगे ये जो आप लोग को जनरल कंडीशन आपको दी गई है, देन इम्पॉर्टेंट डेट जो आप लोग की स्टार्टिंग डेट है 20/12/2022 दी गई है, लास्ट डेट 10/1/2022 है, मतलब 2023 है आप लोगों की, 2023 में जाके ये फॉर्म एंड होंगे और इससे पहले ही आप लोग अप्लाई
अप्लाई कर दें। तो गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए।